गुरदीप जी, आप ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन एक स्थायी मसला बनने वाला है, ये केवल कुछ दिन का मसला नहीं है, 21 दिन का मसला नहीं है, कैसे निकलेंगे इससे? मतलब ये स्थिति तो बड़ी अजीब होती जा रही है, पूरा देश स्थगित है, आर्थिक गतिविधियां स्थगित हैं, लोगों का आना जाना स्थगित है, सिर्फ बने रहना तो बचे रहने की गारंटी नहीं है। पंकज जी, कोरोना के मामले में एक सच्चाई सबको मालूम है कि अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित बचेगा तो दोबारा से सबको हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि चेचक के मामले में हुआ या पोलियो के मामले में हुआ, एक एक व्यक्ति के अंदर से को ये वायरस को खत्म, मतलब उन बैक्टीरिया को खत्म किया गया। अब या तो तब हट सकता है या तब हट सकता है सारी जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब इसका वैक्सीन आ जाए या इसकी दवा आ जाए। तो दवा आने में और वैक्सीन आने में वक्त है, और हर व्यक्ति के अंदर से ये एलिमिनेट हो जाए वो स्थिति भी आ नहीं रही है। अब हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह चैलेंज है कि कोरोना से जान बचाने का तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप पूरा लॉकडाउन रखिए, और दूसरी तरफ इसकी वजह से इकॉनमी सबकी खराब हो रही है, और इकॉनमी खराब होगी तो भी लोगों को जान और माल दोनों का खतरा आएगा, तो दोनों में चुनाव कैसे करें? ये भी बात सच है कि हो सकता है कि आप 14 तारीख को कहें जी अब लॉकडाउन खत्म है, और दोबारा से कोरोना का अटैक हो जाए पूरा, जो होगा, तो फिर ये 3 हफ्ते का लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ? और कहीं ये ना हो कि 100 जूते 100 प्याज वाली कहानी हो जाए। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि व्यक्ति को सजा मिली तो उसको कहा या तो 100 जूते चुनो या 100 प्याज, तो उसने प्याज चुना, कुछ कुछ प्याज खाए, थक गया तो जूते खाने शुरू किए, जूते खाते थक गया तो प्याज खाए। तो कोरोना और लॉकडाउन का खेल कुछ ऐसा ही है। सरकार के लिए अब चैलेंज ये है कि उसको पूरा लॉकडाउन तो नहीं खुल सकता, पूरा लॉकडाउन तो खोलना असंभव सी बात है। बिल्कुल, स्टैगर्ड कैसे खोलें? अब स्टैगर्ड का मतलब क्या होगा? 21 दिन के अंदर हमको यह मालूम पड़ जाएगा कि किन किन इलाकों में संक्रमण है, जिन इलाकों में संक्रमण है क्या सरकार उनको घेरेबंदी करके उनको आइसोलेट करे और बाकी जगह पे लोगों की आवाजाही, लोगों की एक्टिविटी शुरू करे। ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को आप शुरू कर दें, आप जहां पे भीड़ हो सकती है उसको नहीं करें। आपके रेस्टोरेंट बंद रहे, आपके सिनेमा हॉल बंद रहे, आपके हाट बाजार बंद रहे, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाएं। तीसरा मॉडल है जो पंजाब ने करने का निर्देश निकाला था कि वो फैक्ट्रियां जिनके अंदर लोग उनको रख सकते हैं, जहां खाने की सुविधा फैक्ट्री के अंदर है, जहां मेडिकल की सुविधा फैक्ट्री के अंदर है, जहां रहने की सुविधा फैक्ट्री के अंदर है, तो उस फैक्ट्री को बाकी दुनिया से काट कर आइसोलेट कर वहां पे प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। ये अलग अलग मॉडल है। एक मॉडल ये भी आज बात हो रही है कि आपने अगर लॉकडाउन खोला तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब लोग जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग कैसे होगी? कि एक एक राज्य में हो सकता है कि बड़े अच्छे काम हो रहे हो, लेकिन दूसरे राज्य से लोग आ जाएं, तो बॉर्डर कैसे इसको सील किए जाएंगे, कैसे खोले जाएंगे? फिर यह भी बात है कि दुनिया देखिए, व्यापार और इकोनॉमी केवल भारत के अंदर की तो है नहीं, इसका दुनिया के साथ भी आपका संबंध है, तो दुनिया से लोग कैसे आएंगे? क्या यह भी संभव है कि मान लीजिए कि स्पेन से किसी को आना है तो हमारी एम्बेसी पहले ये वहीं पे क्वारंटाइन बना दे कि जिसको भारत आना है वो 14 दिन पहले आइसोलेट होके क्लियर हो जाए और फिर आए। अभी क्या हो रहा है कि लोग आकर क्वारंटाइन जा रहे हैं, इसको भी पलटा जा सकता है। तो ये वेरियस मॉडल्स हैं, ये अलग अलग तरीके हैं जो सरकारों के सामने है। अंतिम रूप से क्या होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। और लॉकडाउन लेकिन दुनिया के तमाम देशों में नहीं भी है इस तरह से जिस तरह भारत एक प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसमें भी सबसे जरूरी तो है कि बड़े पैमाने पर जांच हो, और शायद जो जांच नहीं हुई उसकी वजह से आज ये स्थिति आ गई है। यानी जब आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे एक राज्य से दूसरे राज्य, तो भी तो जांच का जो मसला है वो तो बड़ा मसला बना हुआ है, वहां पे कैसे हल करें? जांच ही नहीं है। आज आपने ट्विटर पे नोकझोंक दिखी गौतम गंभीर की और अरविंद केजरीवाल की। गौतम गंभीर ने कहा मैं पैसा देना चाहता हूं, ईगो में दिल्ली सरकार पैसे नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने जवाब दिया कि भी पैसे की कमी नहीं है, किट्स ही नहीं है। तो जांच होना, किट्स का होना, और जांच भी 3 तरह की है। एक जांच हुई भीलवाड़ा में, जहां हर व्यक्ति को स्क्रीन किया गया कि उसको बुखार तो नहीं है, जिसको खांसी जुकाम बुखार था उसको क्वारंटाइन में डाल दिया तो उसको रोक दिया। जरूरी नहीं कि कोरोना हो, अगर लक्षण शक भी है तो। शक भी है तो ये भीलवाड़ा मॉडल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी जांच है कि एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज किट आ गए हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी 70-80% है और 20% भी अगर गलत केस निकले तो क्या रिजल्ट होगा। तीसरी जांच ये है कि पीसीआर टेस्ट जो लैब के अंदर टेस्ट होना है वो हो, उसके लिए इतनी किट नहीं है, तो ये बड़ी विकट स्थिति है। एक बहुत ही मतलब जिस तरह से अगर हेल्थ सिस्टम पर ध्यान शुरू से नहीं दिया गया तो अचानक आई इस आपदा से बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और ये भी बहुत लोगों के लिए सवाल है कि वो भूख से मरेंगे या कोरोना से बचेंगे। एक और भी बात है, जी जी जी, एक और भी बात है, जैसे आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि एमपीलैड बंद कर देंगे, एमपीज की और राष्ट्रपति दो वित्त वर्ष तक बंद कर देंगे। ये ठीक है, लेकिन ये इससे कुछ होना नहीं है। वो तो पैसा पहले से था और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सवाल ये है कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है उनका क्या होगा, उसके लिए सरकार ने अभी तक योजना नहीं निकाली। बिल्कुल, सवाल ये है कि जिन कंपनियों को तनख्वाहें बांटनी है उनको क्या मदद करनी है, उसकी योजना नहीं आई है। सवाल ये है कि जो लोग डेली मजदूर हैं उनको आपने घोषित किया था कि 500 रुपए से 2000 रुपए की मदद और फ्री राशन है, उसका अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। तो लॉकडाउन के साथ ये सब ये सब भी है। और 5 अप्रैल को 9 बजे रात में 9 मिनट तक दिया भी लोगों ने जलाया है, पर 6 अप्रैल है, अगर उन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो चूल्हा बुझ जाएगा। एक ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बात और कहना चाह रहा था मैं, जो हम बात बोल रहे हैं कि जो खेतों में बात हो रही है कि 14 तारीख के बाद कटाई का क्या होगा, हार्वेस्टर मूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेबर शहरों को छोड़कर बड़े शहरों से अपने अपने गांव लौट गई है तो लेबर की क्या स्थिति होगी, जो फसल है वो खराब नहीं हो, अगली फसल के लिए बीज खरीदे जाने हैं, खाद खरीदी जानी है, उसकी व्यवस्था क्या होगी, उसका पैसा कहां से आएगा, उसकी सप्लाई चेन क्या होगी, ये सारे सवाल लॉकडाउन से जुड़े हैं जिसके जवाब अभी सामने नहीं है। बिल्कुल, रबी की फसल खड़ी है, खरीफ की तैयारी करना है, जायद का मसला बीच में है, मजदूर है नहीं, कैसे होगा, एक बहुत बड़ा संकट है। कुल मिलाकर पूरे देश को शायद मिलकर इसका कोई रास्ता निकालना होगा।